शेफ़ राकीब है हमारे साथ और मैं हूँ अभी जायका चाइनीज़ सेंटर के रेस्टोरेंट के किचन में। और शेफ़ आज हमें बता रहे हैं वेज चिली गार्लिक नूडल की रेसिपी कि रेस्टोरेंट में वेज चिली गार्लिक नूडल कैसे बनता है। तो शेफ़ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने चाइनीज़ वोक ले लिया है, पहले हम उसको अच्छे से हीट कर लेंगे और अच्छे से हीट हो जाने के बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल जो होता है वो डाल देंगे। ये हम वेज चिली गार्लिक नूडल बना रहे हैं, तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें कैबेज और कैरेट कट किया हुआ वो डाल देंगे और प्याज और कैप्सिकम डाल देंगे और इसे फ्लेम हाई करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे भाजी जो है अच्छी नरम हो जाए। तेल अगर कम पड़े तो आप थोड़ा और तेल डाल लीजिए। वेजिटेबल नरम हो जाए उसके बाद हम इसमें पहले से ही बॉइल नूडल्स है वो डाल देंगे और उसे भी मिक्स कर लेंगे वेजीज के साथ। अब हम इसमें टेस्टिंग पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे और इसमें पहले से ही फ्राइड गार्लिक है, बर्न गार्लिक जिसे कहते हैं, ये कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राइड गार्लिक है और उसके बाद चिली डाल देंगे, ये अपना चिली फ्लेक्स, हाँ चिली फ्लेक्स जो होता है वो डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें फिर हम शेजवान डाल देंगे, शेजवान सॉस की रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसे, फ्लेम को हाई कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और बटर डाल देंगे, फ्लेम हाई रखना है और मिक्स करते रहना है करीब 4 से 5 मिनट, फ्लेम हाई करके अच्छे से मिक्स करते रहिए। ये नूडल जो है हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर से हम बर्न गार्लिक जो होता है वो डाल देंगे, बर्न गार्लिक से गार्निश कर लीजिए और ऊपर से चिली फ्लेक्स से भी गार्निश कर लीजिए। तो ये हमारा वेज चिली गार्लिक नूडल जो है वो रेडी हो गया। अगर आपको इसे टेस्ट करना है, आप मुंबई से हो तो जायका चाइनीज़ सेंटर फोर्ट एरिया में जो रेस्टोरेंट है वहाँ के आप इसे टेस्ट भी कर लीजिए। अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप इसे अपने घरों में बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि आपका वेज चिली गार्लिक नूडल कैसा बना। और भी ऐसी रेस्टोरेंट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।